तो आप देख सकते हैं हमारे पास रॉयल इनफील्ड 385 cc वाला वर्जन है दोस्तों, और ये गाड़ी चलते चलते बंद हो चुकी है। कस्टमर देख आया है दोस्तों यहाँ, और इसमें आप देख सकते हैं चाबी ऑन करने के बाद पूरा पावर दे रहा है दोस्तों, और हमारा हॉर्न भी बज रहा है और सेल फोन भी ले रहा है। आप देख पा रहे होंगे सेल फोन ले रहा है दोस्तों, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों वो आपको दिखाते हैं, चाबी को ऑफ करते हैं और इसका क्या काम है आगे वो बताते हैं आपको। तो दोस्तों गाड़ी हमारा ऑन भी हो रहा है और सेल्फ भी ले रहा है, और उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इसका हम करंट को चेक आउट करेंगे। तो करंट चेक करने के लिए दोस्तों एक प्लग केप है, आप देख पा रहे होंगे ये स्टील का है, ऊपर से रहता है दोस्तों, अंदर लॉक रहता है, इस तरह ज़ोर से खींचना है ताकत लगा के, और ये देख पा रहे हैं इस तरह से प्लग केप होता है। और उसके बाद दोस्तों इसका प्लग खोलना है, क्योंकि करंट चेक करने के दौरान प्लग को खोलना पड़ता है दोस्तों। और प्लग को हम खोलते हैं इस तरह, और प्लग खोलने के बाद आपको करंट चेक करके बताएंगे दोस्तों इस तरह। तो आप देख पा रहे होंगे प्लग हमारा खुल चुका है, और प्लग दिखा दो जरा इसका हालत कैसा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे प्लग हमारा पूरा वाइट है, पूरा तरह से वाइट है दोस्तों, एवरेज में कोई इशू नहीं है, प्रॉपर एवरेज दे रहा है गाड़ी। और दोस्तों उसके बाद ये हम प्लग केप को खोलेंगे इस तरह से, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस तरह से दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि मैं अकेला हूँ दोस्तों इसलिए इस तरह से काम करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लगा दिए हैं, और उसके बाद हम चाबी को ऑन करेंगे दोस्तों इस तरह से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ वायर लगा है चाबी को करेंगे दोस्तों इस तरह से, हम देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है प्लग के पास। तो दोस्तों इस तरह से सेल्फ यूज करेंगे हम, और आपको यहाँ देखना है दोस्तों इस तरह से, देख पा रहे हैं सेल्फ यूज करेंगे तो हमारा करंट नहीं लगाएगा, ज़्यादा सेल्फ यूज नहीं करेंगे क्योंकि बैटरी में इशू हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दिक्कत है, इसका करंट छोड़ दिया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहला काम है दोस्तों इस बॉक्स को हम खोलेंगे, और इसी के अंदर CDI और फ्यूज वगैरह रहता है दोस्तों, तो आगे का बताते हैं। सबसे पहला इसका फ्यूज को हम चेक करेंगे, क्योंकि गाड़ी चलते हालत में बंद हुआ है दोस्तों, और करंट छोड़ दिया है तो फ्यूज भी जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम खोलेंगे, और खोलने के बाद आगे का दिखाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरह से पाना रखा हुआ है दोस्तों इसमें, और ये पूरा जंग लग चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जंग लग चुका है दोस्तों, ये पूरा पैनल में आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये लापरवाही है, इस तरह से रखना नहीं चाहिए, ये पूरा सड़ जाएगा दोस्तों, इसका आधा लाइफ ऐसे ही ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों बताएं आपको, ये देख सकते हैं किस तरह से CDI को रखा गया है, जबकि इसमें लॉक रहता है दोस्तों, और ये फ्यूज देख पा रहे हैं इस तरह से रखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें करंट का इशू है, इसको फ्यूज को हम चेक करेंगे। इसमें दो फ्यूज है, एक 15 नंबर का है दोस्तों, एक 15 एम्पियर का है, और एक 10 एम्पियर। तो दोस्तों हमारा करंट का इशू है, तो हमारा 10 एम्पियर का फ्यूज जो होता है रेड वाला, वो फ्यूज उड़ गया हुआ दोस्तों। पहले हम इसको देखते हैं फिर क्या है इसमें, फ्यूज को इस तरह से हम निकालेंगे रेड वाला, और आपको दिखाते हैं इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे ये फ्यूज कट चुका है दोस्त, ये फ्यूज कट चुका है, आप एकदम क्लियर देख सकते हैं इसमें, ये फ्यूज पूरा तरह से कट चुका है। तो दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज दिया हुआ है, कंपनी देता है दोनों फ्यूज, एक 15 एम्पियर का, एक 10 एम्पियर का, दो एक्स्ट्रा फ्यूज है दोस्तों इसमें। तो ये हम रेड वाला फ्यूज निकालेंगे 10 नंबर वाला, और हम इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस तरह से हम अटैच कर दिए, और उसके बाद दोस्तों इसको हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा फ्यूज लगा चुके हैं दोस्तों, और इसको भी हम सही से करेंगे। तो आपको हम करंट चेक कराएंगे पहले, उसके बाद इसको बंद करेंगे। तो दोस्तों हमारा इशू है वहाँ से, फ्यूज हमारा उड़ा था, तो कन्फर्म यहाँ से दिक्कत है, तो इसको हम उसी तरह से लगा देंगे, जिस तरह से ये रहता है उस तरह से इसको लगाना है। तो दोस्तों इसको देख पा रहे होंगे ये इस जगह पे ऐसे
इस तरह से लॉक होता है। तो दोस्तों इसलिए इसको हटाया गया है क्योंकि इसका पाना नहीं आ पाता है दोस्तों, इसलिए इसको हम इस तरह से रख देंगे। और ये हमारा सीढ़िया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, और इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो इस तरह से भी लगा सकते। तो दोस्तों ये सीढ़ी आई है, हम इसको प्रॉपर तरह से यहाँ फंसा देंगे इस तरह। इसको दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर फंसा देंगे, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सेफ्टी हो गया दोस्तों, और हिले डोलेगा भी नहीं, जगह पे लगा रहेगा। और दोस्तों इसको हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा पाना नहीं आ पाएगा, तो कस्टमर रखा है उसी तरह हमको रखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पाना रखा हुआ था, तो उसको हम इस तरह से रख देते हैं यहाँ पर, इसी तरह से रख देते हैं दोस्तों। और अगला को बोलेंगे ये निकाल देगा क्योंकि ये पूरा सड़ जाएगा दोस्तों, उसका नुकसान हो जाएगा। तो उसको पता नहीं है कस्टमर को, नहीं तो इस तरह से गलती नहीं करता। तो आप देख पा रहे हैं हम इसको लगा चुके हैं दोस्तों, इसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से, और चाबी को हम डायरेक्टली लगाएंगे स्विच के ऊपर। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से चाबी को मैंने ऑन कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ चेकआउट कराएंगे, करंट हमारा दे रहा है नहीं दे रहा है। तो चाबी को हमने ऑन कर दिया दोस्तों, और इस तरह से सेल्फ यूज करेंगे, देख पा रहे हैं करेंट हमारा दे रहा है, देख पा रहे हैं दोस्तों। आपको अच्छे तरह से दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों छोटा सा माइनर बीमारी था, इसका फ्यूज उड़ चुका था दोस्तों, और चलता हालत में कभी गाड़ी इस तरह से डैमेज हो जाए या बंद पड़ जाए। तो दोस्तों आप पहले फ्यूज को चेकआउट करें, उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। तो दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका है, और अब हम लगाते हैं प्लग केप को, और प्लग को दोस्तों और आगे का बताते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे प्लग को मैंने लगा चुका है दोस्तों, और ये प्लग केप को भी इस तरह लगा देना है, इस तरह से टाइट कर देना है दोस्तों फुल तक। तो ये हमारा तार के ऊपर टाइट हो चुका है, और उसको इस तरह से लगाना है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से दोस्तों, इसको इस तरह से पुश कर देना है, ये लॉक हो जाता है दोस्तों इसके ऊपर। ये हमारा लग चुका है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली जैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चाबी को करेंगे ऑन इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे, और गाड़ी का सेल्फ यूज करेंगे, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हम इस तरफ आएंगे दोस्तों, और इसको वापस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, बंद करते हैं इस तरह से, गाड़ी को ऑफ कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों छोटा सा माइनर बीमारी था इसका, फ्यूज उड़ चुका था, उसको हमने सही कर दिया, गाड़ी परफेक्ट तरह से सही हो गई। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा बेल आइकन को ऑन कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड। We'll be right back.